दोस्तों, नैनीताल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। यहाँ पर 37,000 डीएलएड अभ्यर्थियों के सरकारी शिक्षक बनने का रास्ता साफ हो गया है। तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं ये आपको आगे बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। पूरी प्रक्रिया क्या हुई आज, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हाईकोर्ट ने डीएलएड, जो डीएलएड एनआईओएस से डीएलएड थे, तो ऐसे प्रशिक्षित बेरोजगारों अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का जो है एक मौका दे दिया है, उनका रास्ता खोल दिया है। कोर्ट ने गुरुवार को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों की नियुक्ति प्रक्रिया की काउंसलिंग में शामिल करने के लेकर दायर की गई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को भी काउंसलिंग में शामिल करने के निर्देश सरकार को दिए हैं। पूर्व में कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से रोकने वाले 10 फरवरी 2021 के शासनादेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। अब कोर्ट के इस आदेश के करीब 37,000 डीएलएड अभ्यर्थियों को राहत मिलने वाली है। नैनीताल निवासी नंदन सिंह बोरा, निधि जोशी, गंगा देवी, सुरेश चंद्र गुरुरानी, संगीता देवी और गुरमीत सिंह ने याचिका दायर कर राज्य सरकार के 10 फरवरी 2021 के शासनादेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सीडी बहुगुणा ने कोर्ट को बताया कि इन अभ्यर्थियों ने 2019 में एनआईओएस के दूरस्थ शिक्षा माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इनकी इस डिग्री को मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार व एनसीटीई ने मान्यता दी है। 16 दिसंबर 2020 को मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, 6 जनवरी 2021 एनसीटीई और 15 जनवरी 2021 को शिक्षा सचिव ने उनको सहायक अध्यापक प्राथमिक में शामिल करने को कहा था, पर सरकार ने 10 फरवरी 2021 को यह कहते हुए उन्हें काउंसलिंग से बाहर कर दिया कि सरकार के पास कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। इससे पहले याचिकाकर्ताओं के समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र जमा हो चुके थे। सहायक अध्यापक प्राथमिक में 2648 पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया, जो इस समय भर्ती प्रक्रिया चल रही है, तो यहाँ पर नैनीताल निवासी नंदन सिंह बोरा, निधि जोशी, गंगा देवी, सुरेश गुरुरानी वगैरह कुछ लोग थे, इन्होंने याचिका दायर करके सरकार के 10 फरवरी 2021 के शासनादेश को चुनौती दी थी, जिसमें जो है स्टे लगाया गया था इन लोगों के लिए और जो है एनआईओएस डीएलएड को मना कर दिया गया था कि इस भर्ती में उनको शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन उन्होंने याचिका दायर की और अभी जो है कोर्ट ने इसको एक साथ सुनवाई की सभी मामलों पर और इन्हें इस भर्ती में शामिल होने का जो है मौका दे दिया गया है। ये जो है एनआईओएस से डीएलएड जो लोग हैं उन लोगों के लिए काफ़ी खुशी की बात है। और जिन लोगों मतलब एक दूसरा ग्रुप भी है जिन लोगों को इस बात से खुशी नहीं मिलेगी, तो आप अपनी अपनी प्रतिक्रिया जो है ज़रूर कमेंट सेक्शन में देना। दोस्तों, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, ठीक है? तो आपको लगेगा कि हमने उनकी साइड ली है या फिर दूसरे की साइड ली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हमारा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, तो हमने आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचा दी। आप अपनी क्रिया प्रतिक्रिया कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, अपनी राय, अपनी जो भी आप चाहते हैं, तो कुछ इस तरीके से कंक्लूजन निकल सकता है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद। जय हिंद।